बाइक क्यों सेल कर दी सुल्तान ने? वो सर पैसे चाहिए थे ना नए बिजनेस के लिए। इतने पैसों में तो सर मूंगफली का ठेला ही आएगा, पता नहीं इस शख्स में अक्ल कब आएगी। वैसे मूंगफली के बिजनेस में भी काफी स्कोप है पापा। मूंगफली का नहीं पता, लेकिन सोच रहा हूँ क्रॉकरी का बिजनेस करवा दूँ। चमचे और कांटे काफी निकल आएंगे। सॉरी करो आदम से, रात फजूल हरकत जो की तुमने उससे। सॉरी आवाज नहीं आई। आई एम सॉरी। अच्छा, आइंदा ऐसी हरकत करे तो आदम तुम डायरेक्ट मेरे पास आना, मैं ऐसा इलाज करूंगा कि स्पून की स्पेलिंग सारी जिंदगी के लिए भूल जाएगी। जी सर। ओह प्रोफेसर कुतुबुद्दीन, सुना है अकरबा परवरी के नए रिकॉर्ड्स कायम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में? ये हवा यकीनन तुम्हारे इन्हीं चहेते स्टूडेंट्स ने उड़ाई होगी जिन्हें एतराज है मेरी बेटी के लास्ट सेमेस्टर टॉप करने का। तो आप भी तो बाज नहीं आते, यानी कि इस प्रेजेंटेशन में तो आपने अपनी बेटी को 25 में से 26 नंबर दे दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को एतराज है तो वो क्रॉस चेकिंग करवा ले इन मार्क्स पर। और तुम हमेशा मेरी और अपनी चपकलिश में मेरी बेटी को क्यों घसीट लेते? घसीटना तो पड़ेगा क्योंकि आपके लिए आपकी औलाद इम्पोर्टेंट हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इस कॉलेज के सारे बच्चे बराबर हैं। सर अगर ऐसा है तो प्रोफेसर शम्स और प्रोफेसर इरम की प्रेजेंटेशन में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्यों आए थे? रेहा तुम चुप रहो, जाओ अपनी क्लास में। लेकिन ये आप पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो। आदम इसको लेकर जाओ। जी सर। गो। आपू, अंधा बाटे रेवड़ियां और मुड़ मुड़ के अपनों को दे। तो ऐसा करते हैं कि इस बार तुम ले लेना मेरी बेटी का वायदा। आई एम फाइन विद इट। बाय।